है।
लेकिन आज वो भी हमको समझना है कि जो जबान इदारे पर मदरसों के ऊपर आज आ रहे हैं उसकी मजहबी हमें आपको जानना है। हम यहां से कलम की ताकत के लोग पैदा हैं, रूहानी ताकत की रूहानी गिजा खत्म हो रही है, कम नहीं खत्म हो रही है। मादी गिजा, मादी सोच, कॉमर्शियल सोच बढ़ती चली जा रही है। इस पिछले भी ध्यान दिया कोई चीज नहीं है उस जगह के लिए जहां से थी उसके शहर में रहते थे, पौधे लगा के शहर तक पहुंचते थे। तो आप इस शहर में लगाने के साथ साथ अगर हमारी काम बहक रही है तो जिम्मेदार उस धर्म के उलामा होंगे, उस धर्म के पंडित होंगे, उस धर्म के रहनुमा उनको हमने अपना ऐसा आइडियल अपने आप को क्यों नहीं बताया कि वो हमसे सीखता और वो इस धर्म के लिए इस बार विषय वाला है तो उसका बेटा एक किलर ही में पहुंच जाए, उसका बेटा एक ऑफिसर ही हम में पहुंच जाए। यहां तो उल्टा शरीरों के आग दिखाई दे रहे हैं, शरीरों के आग दिखाई दे रहे हैं कि दादा का किस तरफ से नाम लिया जाता है, पोते आज किस रूप में नाम लिया जाता है, इस खानदान से कौन ताल्लुक रखता रखता था, क्या इंडिया में समाज को कुछ भी नहीं मिला। कि हमने सुबह से शाम तक क्या अच्छे काम किए और यही आपका इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप 10 अच्छे काम रोज करते थे तो हर अगले दिन एक अच्छा काम बढ़ रहा है कि नहीं, और 10 बुरे काम करते थे वो तो ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हर अगले दिन एक गुना एक बुरा काम कम हो रहा है।
लेकिन बता दिया कि जो हवा चाहे जितनी तेज हो, अगर आप शराब जलाने की कोशिश करेंगे तो जरूर शराब जलेगी। आपको वैसे किरदार की जरूरत है और यहां सरकारी जिम्मेदार बहुत अच्छे अच्छे लोग। मैंने अभी कहीं ये जिंदा कहा कि कभी कभी क्योंकि उस माहौल में कोई भी प्रभाव दे रहा है और
बहुत अच्छा निशान मिलेगा।
Thank you.
के तुमको पहली दूसरी जनता के पास से
Thank you.
तो क्या वो सुनाते होंगे देंगे सच्ची शिक्षा होगी भूमि शिक्षा होगी जरूरत नहीं हम सच्चे बनेंगे हम वो मानेंगे कि मूल व्यवहार मेरी है पर की वजह से जीत किया जाए और भी पीछे की प्रोफेसर गांधी ने कम न होने देंगे वो इंसान दुनिया में भी पांचवे जन्म वाला है और आखिर में और आखिरी बात आप जिला सकते हैं जमाने में आप दुआएं मशहूर दुआएं पढ़े उसका तर्जुमा तो पढ़िए अरे समाज के तर्जुमे पर खाली इबादत भाव में बात की है ये अल्लाह जिसने मेरे हाथ छीना है उसे माफ कर दो ये अल्लाह ने मेरे भाई का जिसने हाथ छीना है उसे माफ कर दो देखिए Yeah.
बनाना।